असलमर्स इस वक्त मैं आपको एक लॉन फैब्रिक से कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ इसके लिए लॉन प्रिंट का फैब्रिक है और के साथ मेरे पास ये नेक के लिए पैचेस भी हैं और ये लॉन है और इसके साथ इसको मैं आप, आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगी इसको मैंने थोड़ा सा झपला स्टाइल में इस कुर्ती को डिज़ाइन करना है अब इसके दो हिस्से कर लिए मैंने पैच के और आप ये देखिए नीचे जो बॉर्डर है वो नीचे की साइड पर मैं कर दूंगी क्योंकि इसकी जो लेंथ है ऊपर की ये बारह इंच है पैच की तो इसकी योग का साइज़ भी मैं इतना ही रखूँगी और ये फैब्रिक देखिए बिल्कुल इसी कलर के डिज़ाइन हैं ये आरमानी डिजिटल लॉन पर मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ मैं आपको ये ये प्रिंट फैब्रिक भी दिखा रही हूँ लॉन है ये और इसके मैंने योग पीस अलग करके रखे हुए हैं इसके मुताबिक जो मेरे पैचेस हैं पैचिस के मुताबिक ही मैंने इसकी इसका साइज लेना है जबकि मैंने इसका ट्वेंटी वन इसका बस्ट साइज़ रखना है तो मैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसका जो बस्ट का साइज़ है वो लूँगी इसका योग की चौड़ाई मैंने ट्वेंटी टू ली है और इसकी जो ऊंचाई है ये मैंने पैचिस के मुताबिक ली है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी पैचिस की लेंथ जो है ये ट्वेल्व इंचज़ है अब इसको मैंने इस तरह से फ़िट करना है और फ़िट करने के बाद ये डिज़ाइन इसमें तैयार होगा अब आप ये देखिए मैं इसको फ़ालतू ऊपर से फ़ैब्रिक और कम कर दूंगी ये दो पैशज़ हैं लेफ्ट राइट के अब इनको इस पर रखने के बाद पहले सबसे पहले हम बैक साइड की जो कटिंग कर लेंगे बैक फ्रंट दोनों को कटिंग कर रही हूँ अब आप ये देखें इस वक्त इसकी लेंथ जो है वो साढ़े तेरह इंच है साढ़े तेरह इंच इसकी लेंथ है तैयार होने के बाद ये बारह इंच रह जाएगी सेवन पॉइंट फाइव पर आर्म होल का मैं निशान लगा ये शोल्डर का निशान लगा रही हूँ और आठ इंच पर मैं इसका आर्म होल का निशान लगाऊँगी क्योंकि जब हम इसका बस साइज़ ज़्यादा रखते हैं तो हम उसका आर्म होल का साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं यानी कि आप ये देखें कि मैंने इसका आर्म होल का साइज़ जो है वो एट इंचज़ रखा है आमतौर पे मैं सेवन पॉइंट फाइव रखती हूँ और इसकी साइड से भी कोई ख़ास फिटिंग नहीं है हाफ़ इंच थोड़ा सा हल्का से कटिंग में लूँगी मैं अब इसकी फ्रंट साइड को सेंटर से मैं दो हिस्से करूँगी क्योंकि ये ऊपर से फ्रंट ओपन दिखाना है हालांकि ये ओपन नहीं है लेकिन ये किस तरह से मैंने पाइपिंग लगानी है और इसको फ्रंट ओपन ही शो करना है ये योग तैयार हो गई है इस तरह से अब मैं आपको इसके नीचे का दिखाती हूँ नीचे की लेंथ मैंने इतनी ही रखनी है ये पीसेज मैंने अलग करके रख लिए हैं नीचे के घेर के और इसके मुझे अब लेंथ जितनी हमें चाहिए हम उतनी ही लेंथ ले लेंगे मुझे थर्टी सिक्स तैयार लेंथ चाहिए थर्टी सिक्स थर्टी सेवन जितनी लेंथ होती है अगर हम ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं अब आप ये देखिए मैंने कपड़े के ऊपर सिलाई का हिसाब से ऊपर रख दिया है थर्टी एट पर मैं इसको कटिंग कर रही हूँ और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें जो पैचेस होते हैं उसे हमें किस तरह से फिट करना होता है जो ब्रांडेड हमारे फैब्रिक होते हैं थ्री पॉइंट फाइव पर इसकी चौड़ाई ले रही हूँ नेक की मैं और डेढ़ इंच बैक साइड की गहराई जो फ्रंट साइड है इसकी मज़ी दो इंच और गहराई ली जाएगी ढाई इंच तो ये टोटल चार इंच गहराई की नेक रहेगी अब आप ये देखिए इसको पैचिस को मैंने थोड़ा सा नीचे से बॉर्डर से ऊपर रखा रख रक, इसको रखा हुआ है ताकि सिलाई में ये बॉर्डर ना आए अब जितना फालतू ये पैचिस का हमारा ये फैब्रिक है इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे इस तरह से डबल करना है सेंटर से अब जैसे जैसे ये कटिंग है योग की उसके मुताबिक हम इसे कटिंग करेंगे आप ये देखिए मैंने योग का साइज जो है जैसे मेरी पैचेज थे उसके मुताबिक रखा है और ये लॉन्ग योग नहीं है शॉर्ट है थोड़ा सा ये झपला स्टाइल में भी है योग के मुख्तलिफ़ साइज हो सकते हैं हम चाहे तो वेस्ट तक भी योग को तैयार कर सकते हैं चाहे तो और भी शॉर्ट हम इसकी योग तैयार कर सकते हैं आर्म होल से भी कम साइज़ की हम योग भी तैयार करते हैं मुख्तलिफ साइज़ होते हैं योग में ये देखिए मैंने फालतू फैब्रिक अलग कर दिया है आर्म होल की इजाफी कटिंग भी कर रही हूँ मैं ताकि इसकी फिटिंग अच्छी आए इस तरह से ये पैचिस के साथ इसको रेडी कर दिया है और नीचे का इसका राउंड बॉटम अब इसके स्लीव की कटिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ आठ इंच चौड़ाई के मैं इसकी स्लीव लूंगी इसको थोड़ा सा मुझे और कम करना है ज्यादा चौड़े हैं स्लीव आ, स्लीव में कुर्ता स्टाइल के बिल्कुल सिंपल स्लीव बनाऊंगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन फैब्रिक है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो समर के ड्रेसेस हों कंफर्टेबल भी हों खूबसूरत भी लगें तीन इंच पर मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ मैं गहराई और स्लीव बहुत सिंपल हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी कोई डिज़ाइनिंग के लिए अलग से कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है तो इसमें मैं पाइपिंग की मदद से इसमें कलरफुल डिज़ाइन भी बनाऊँगी ये देखिए मैंने ये चार कलर में ये पाइपिंग ले ली है कॉटन की पाइपिंग है ये तो इनकी लाइन लगाकर मैं इसी का डिज़ाइन बनाऊंगी इसको कलर्स को हम जिस तरह से ऊपर नीचे इसमें मैंने तमाम कलर्स जो हैं वो जो फ्लावर्स मेरे के फैब्रिक के अंदर हैं इसी के मुताबिक मैंने लिए ये लाइन्स लगाऊंगी मैं और अब आपको ये दिखा रही हूँ योग तैयार तो करनी है इसके साथ मैंने पेपर बुकरम कटिंग करके इसके साथ पेस्ट कर दी है और ये जो पैचेस हैं उनको भी मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा कर इसको फिट कर दिया है और अब आप मैं इसको इसकी नेक तैयार करके दिखाती हूँ बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है आसान सा डिज़ाइन है और इससे हमें ये समझ आती है हम समर के जो ड्रेसेस हैं उनको भी खूबसूरत करके बना सकते हैं जो पैचज लगा कर बना सकते हैं अक्सर ऐसा होता है कि पैचज हमारे ड्रेसेस के साथ ही आते हैं और अगर ड्रेसेस के साथ ना भी हैं तो आजकल ये पैचि जो हैं अलग से भी मिल जाते हैं ब्रांडेड शॉप पर जहाँ पर हमारे ब्रांडेड फैब्रिक्स हमें मिल जाते हैं वहाँ पर हमें ये पैचि भी अलग से अ, मिल जाते हैं अब इसमें मैं पाइपिंग लगा रही हूँ फ्रंट साइड पर और पाइपिन हम बारीक सी बनाकर लगाते हैं तो ज़्यादा सफ़ाई वाली नीट ख़ूबसूरत लगती है अब आप ये देखें फूल्डशुदा जिस तरह से पाइपिन है बिल्कुल मैं किनारे पर सिलाई लगाती हूँ तो असल में मैं ये बाजारी पाइपिन इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि इसमें ये एक तो ये बहुत नीट बनी हुई होती है और इसमें हल्का फुल्का कलर भी होता है तो इसकी पाइपिंग बहुत अच्छी आती है नेक में घर में भी हम अपने फैब्रिक से कटिंग करके पाइपिंग बना सकते हैं वो थोड़ी सी सॉफ़्ट ज़्यादा होती है उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं होती उस फैब्रिक में ये क्लफ वाला थोड़ा सा प्योर कॉटन में फैब्रिक होता है तो इसलिए इसमें फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा होती है ये कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं होती है ऐसा अगर हम ये बनाएं तो इससे ये है कि हमारी नेक और डिज़ाइन जो है हमारी बहुत ही नीट तैयार होते हैं समर के जो हम डिज़ाइन बनाते हैं इनमें नेक लाइन हम बहुत हैवी डिज़ाइन नहीं बनाते कोशिश होती है कि हम कुछ इस तरह के डिज़ाइन बनाएं जो पहनने में भी कंफर्टेबल हों और बनाने में भी इजी हों और साथ ही ख़ूबसूरत भी डिज़ाइन लगे और बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग हम नहीं करते समर के ड्रेसेस में ये थोड़ा सा झबला स्टाइल डिज़ाइन है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये गर्ल्स भी पहन सकती हैं इसमें एक ख़ास यूनिक बात है कि इसमें हर एज की खातान इस तरह के ड्रेसेस पहन सकती हैं हर साइज़ की खातन पहन सकती हैं अगर ये काफ़ी खुली कुर्ती है तो ये पट्टी भी मैंने एक कटिंग की हुई है मैंने दो इंच चौड़ाई की और इतनी योग की सामने की फ्रंट की पट्टी की लंबाई की मैंने ये पट्टी कटिंग की हुई है साइड से सिलाई है मैंने और सिलाई करने के बाद आप ये देखें थोड़ा सा स्लेट छोड़कर फिर मैं तकरीबन डेढ़ इंच का स्लेट मैंने छोड़ा है इसमें मैं ऊपर डोरी लगाऊंगी सिर्फ खूबसूरती के लिए चाहें तो हम ऊपर तक भी इसको बंद कर सकते हैं इसमें बटन भी लगा सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं फैब्रिक का कलर भी मेरा फ्लोरल प्रिंट है रोज फ्लावर्स बने हुए हैं और ना तो बहुत डार्क और ना ही बहुत लाइट कलर है इस तरह से योग भी ये तैयार हो गई है अभी नीचे के राउंड बॉटम को मैं चुने दे रही हूँ हल्की हल्की चुने दी जाएंगी। ये पूरे अर्थ का कपड़े को से मैंने नीचे का एक घेर बनाया है इसको कटिंग नहीं किया है सिर्फ जो मेरी प्रिंटेड लाइन थी नंबर थे सिर्फ उनको कटिंग किया है मैंने अब इस तरह से हम जो के साथ इसको नीचे वाले हिस्से को जोड़ लेंगे और जोड़ते हुए इस बात की एहतियात करनी है कि मेरा ये बॉर्डर भी नीचे से ख़राब ना हो जो नीचे की डिज़ाइनिंग है इसी तरह से जैसे मैं फ्रंट की नीचे का घेर जोड़ रही बिल्कुल इसी तरह से बैक की भी बैक भी इसी तरह से तैयार होगी और स्लीव मैंने तैयार करके रखी हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो लाइन्स आपको दिखा रही थी पाइपिंग की वो लाइन्स मैंने पहले से लगा कर रख ली हैं जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ अब आप ये देखें ये तैयार हो गया है पूरे का पूरी ये फ्रंट और आप देखिए बहुत ही सिंपल सी इसकी कटिंग स्टिचिंग है लेकिन ये तैयार होने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कुछ इसमें कमाल इस फैब्रिक का भी है जिसकी वजह से हसीन लग रहा है ये अब आप देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके शोल्डर तैयार किए जा रहे हैं शोल्डर तैयार करने के बाद साइड फिटिंग साइड फिटिंग के साथ ही मैं आप आपको स्लीव जोड़ कर दिखा देती हूँ इस तरह से ये कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी स्लीव भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए मैंने लाइन्स लगा लिए नीचे बाजू में मैंने नीचे की साइड पर लेस लगाई है सिंपल साइड का डिज़ाइन है हल्के फुलकी डिज़ाइनिंग की गई है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि अगर हमारे पास स्लीव के लिए अलग से बॉर्डर या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो इस तरह की हम फ्लावर्स से मैच करते हुए इस तरह की लाइन भी लगा सकते हैं अभी आर्म होल दिखा रही हूँ इजाफी कटिंग हुई हुई है इसी तरह हमें स्लीव की भी आर्म होल की इस तरह से हमें इजाफी कटिंग करना होती है उससे फिटिंग अच्छी आती है हमारी और आर्म होल का हम पहले जोड़ने से पहले साइज ले लेते हैं छोटा बड़ा तो नहीं है अगर कुछ कमी होती है तो उस वक्त हम कटिंग में कंप्लीट करते हैं और ये इस तरह ये कुर्ती तिलकर तैयार हो गई है तकरीबन मैं आपको इसको कंप्लीट करके अभी आपको दिखाती हूँ नीचे का घेर करना है और नेक पर अभी पाइपिंग भी लगानी है इसकी फाइनल लुक में अब आपको दिखाती हूँ फिर इस तरह नेक की पाइपिंग नेक की सिंपल पट्टी लगेगी अब आप इस तरह देख सकते हैं ये कुर्ती कंप्लीट हो गई है और इसमें मैंने एक डोरी भी फिक्स कर दी है और सिंपल सी कटिंग स्टिचिंग है इसकी लेकिन तैयार होने के बाद आप देख सकते हैं ब्रांडेड कुर्तीज़ को हम सिंपल तरीके से इस तरह से पैचिस लगा कर तैयार कर सकते हैं और वही फ्लोरल प्रिंट जो प्रिंट के अंदर है वही पैचिस में है उम्मीद है आपको स्टाइल पसंद आएगा और इस तरह से हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हम अपने हल्के फुल्के लॉन के ड्रेसेस को इस तरह तैयार कर सकते हैं आपको इसकी फाइनल लुक में आपको डमी पर भी दिखाती हूँ कि ये पहन कर भी किस तरह से नज़र आ रही है पहन कर भी ये काफ़ी ख़ूबसूरत लग रही है ये, ये कुर्ती और इसके साथ हम कोई भी ट्राउज़र के सेम कलर का बनाएं तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और स्लीव में आप देख सकते हैं लाइन्स लगाई हुई हैं जो इसके डिज़ाइन को नुमाया कर रही हैं